हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ नया बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे पराठे। पराठे तो बनाएंगे, लेकिन ये जो पराठे ये थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि जो पराठे मैं बनाने वाली हूँ ये हम बनाएंगे हरी मटर, जो कि सीजनेबल है। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश मटर आ रही है मार्केट में, तो उसके हम पराठे बनाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी डिलीशियस बनते हैं, और बच्चे और चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, इसे खाना पसंद करते हैं। तो आप ब्रेकफास्ट में इसे बनाकर खा सकते हैं, और आप इसे लंच में भी दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसे चाय से भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पराठे ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पराठे बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा आटा होता है, हम उसका डो बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये आटा लिया है, लगभग आधा किलो ये आटा है। तो मैंने इसके अंदर एक छोटी चम्मच नमक डाल दिया है, और उसे हम अच्छे से पहले आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ जो हमारा आटा है, हम उसका डो रेडी करेंगे। तो हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और जैसे हम नॉर्मल जो आटे का डो लगाते हैं, हम आटा गूंथते हैं, वैसे ही इसको गूंदेंगे। और हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करना है, ज़्यादा लूज भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं, बट सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना आटा गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आटा है हमारा गूंथ चुका है। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो इतने जो हमारा पराठा है, हम उसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक नॉन स्टिक पैन। आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं, या कोई खुले मुंह का बटन दे सकते हैं। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे पैन में 2 छोटे चम्मच के जितना मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या कोई भी एडिबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और फ्रेंड्स, अब मैंने ऐड किया है इसके अंदर 2 पिंच हींग और आधा चम्मच जीरा। तो इसको हम अच्छे से चटकने देंगे पहले। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और एक मैंने इसके अंदर लिया है अनियन, जिसे मैंने थोड़ा बारीक काट लिया था, तो वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अभी हम थोड़ा भूनेंगे। और फ्रेंड्स, पे प्याज को हमें भूनना है जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी भून चुकी है। और मैंने ये लिए है 1 कटोरी मटर, जो कि हमारी फ्रेश मटर है। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। और उसे मैंने मिक्सी में डाल के इसे मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। तो जब भी आप इसको दरदरा पीसें, तो इसके अंदर पानी ऐड ना करें, अदरवाइज इसका पेस्ट बन जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, तो हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो इसे भी हम भूनेंगे इन्हीं सभी चीजों के साथ। तो फ्रेंड्स, देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए मीडियम फ्लेम में, और आप देख सकते हैं कि जो मटर है इसका सारा पानी उड़ चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 उबला हुआ आलू, जिसे मैंने छील लिया था, और इसे हम अच्छे से इसके साथ मैश करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये आलू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है इसके अंदर। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट जो आलू है इसके अंदर बाइंडिंग लाता है, क्योंकि जो हम पराठा बनाएंगे तो ये पराठे के अंदर अच्छी बाइंडिंग करेगा, और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा आलू की वजह से। तो हम इसे भी भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े अपने मसाले। तो 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे यूज किया है हल्दी पाउडर, और अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच, और इसको हम थोड़ा चला देते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और गैस का फ्लेम हम लो रख लेंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं ये जले नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा इसके साथ चलाते भी जाएं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर,
और फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा नमक। तो एक छोटी चम्मच के लगभग जितना मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाते हो तो हल्का ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी सारे मसाले हमारे डल चुके हैं, तो हम इसको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि कहीं पर कुछ भी कम ज़्यादा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारी फिलिंग है ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया, क्योंकि हमें पता है जो हरा धनिया है इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है पराठे के अंदर। तो जो हमारी फिलिंग है अब ये बनके रेडी है, तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारी फिलिंग है ये ठंडी हो चुकी है, और जो हमारा आटा है ये भी रेस्ट कर चुका है। तो हम आटे की लोइयां तोड़ेंगे, लोइयां बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप पराठा छोटा बड़ा पतला मोटा जैसे भी खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही लोई का साइज रखें। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की लोई यहाँ पे ली है। तो इसको हम अच्छे से पहले ये देखिए इस तरह से राउंड कर लेंगे, और अब हम इसमें सूखा आटा लगाकर इसको बेलेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ कि अगर आपके पराठे फटते हों तो आप किस तरह से इसकी फीलिंग करें कि जो हमारे पराठे हैं ये बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। चाहे आप किसी भी चीज़ के पराठे बनाएं, आलू के, गोभी के, मटर के, तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारी रोटी है जिसके अंदर हम फिलिंग करते हैं, जिसके अंदर जो हमारा मटेरियल वो भरते हैं, तो जो हमारी लोई है उसको हम प्रॉपर पहले बेल लेंगे लगभग रोटी के जितना। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटा नहीं रखेंगे। और जो हमारी फिलिंग है ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे फिलिंग ली है। और अब इसके सेंटर में हम रख देंगे और ये देखिए इस तरह से हम फैला लेंगे। और अब इसके ये देखिए कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसका मुंह बंद कर देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा जो आटा है वो देखिए हम इस तरह से ऊपर से इसको गोल करते हुए निकाल देंगे। ये देखिए अब देखिए जो लोई है इसको अच्छे से हम थोड़ा फैला लेंगे, और हम थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको हम हल्के हाथों से हम बेलेंगे। और बेलते समय आप एक चीज का ध्यान रखें कि हमें पहले इसके साइड से इसको बेलना है। ये देखिए हाथ से पहले हम इसको थोड़ा फैला लेंगे, और ये देखिए पहले हम इसको हल्के हल्के हाथों से इसके किनारों से हमें इसको पहले बेलना है, बीच में बेलन अभी नहीं चलाएंगे हम। ये देखिए पहले हम इसको चारों तरफ से ये देखिए इस तरह से बेल लेंगे, और जब इसका साइज पूरा आ जाए तब हम बीच में बेलन लगाएंगे, तब हम बीच में से इसको इक्वल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारा पराठा है ये अच्छे से बिल चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी फटा नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम इसको सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पराठा बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन रखा है, आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल जो हमारा लोहे का तवा होता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो जो गैस का फ्लेम है आप इसको मीडियम रखें, पहले एक बार तवा गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम कर दें इसका, और आप इस तरह से देखिए पहले इसको सिकने दें एक तरफ से, उसके बाद ये देखिए हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे रिफाइंड ऑयल या कोई भी एडिबल ऑयल, या आप घी मक्खन जो भी आप लगाना चाहें, जिसके साथ आप इसको सेकना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि पराठा ये देखिए हमारा कितना अच्छा फूल रहा है, ये देखिए। और हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इसको दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसको देखिए हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पराठा है कितना बढ़िया बन के आया है, और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और यमी है। और अगर आपने अभी तक मटर का पराठा ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर से बनाएं खाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।